गोरखपुर पहल के तहत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में राजस्व निरीक्षक और राजस्व लेखपाल के साथ मीटिंग की गई। इस दौरान लॉकडाउन से पहले शुरू की गई मुहिम गोरखपुर पहल के तहत सभी सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को चिन्हित कर उन्हें खाली कराने और सभी गांव में विवादित पड़ी जमीनों को चिन्हित कर उसका निस्तारण करने के लिए संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, ये बड़ा बहुत बड़ा की वजह से मीडियम है, वहाँ जाँच की तो हर दूसरा आदमी पॉजिटिव है, 100 लोगों का जाँच कराया 50 लोग पॉजिटिव है। हमारे तहसील में तो बहुत लोगों ने जाँच कराई, हमारा तो लगातार चलना है कार्यक्रम, लेकिन फिर भी हमने बहुत लोग हैं जो नहीं कराए। ऐसा नहीं कराए ऐसा नहीं है कि सिम्टम अगर है तो जाँच ठीक है, तभी जाँच कराइए, अगर सिम्टम नहीं तो मत कराइए, उसको बात नहीं है। देखिए हमारे अभी तहसील सदर के अंतर्गत विभिन्न राजस्व गांवों में तो राजस्व निरीक्षक, 3 राजस्व निरीक्षकों के साथ उनके राजस्व लेखपाल की मीटिंग की गई। जो हमारी स्कीम थी लॉकडाउन से पहले गोरखपुर पहल हमने स्टार्ट किया था, एक सार्वजनिक भूमि लैंड हम बना रहे हैं हर हर गांव में, और जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति हैं उनकी वर्तमान स्थिति किसका कितना कब्जा है उसके लिए हमने बोला है। तालाबों पर जिससे इसका अतिक्रमण है, जलाशयों पर जैसे इसका अतिक्रमण है, चारागाह की भूमि पर जिसका अतिक्रमण है, और जो भी सार्वजनिक भूमि पर जिसका अतिक्रमण है उसके सबको रजिस्टर बना के सबका अद्यतन स्थिति बनानी है। इसके साथ साथ जितने भूमि विवाद गांवों में हैं उन सबको सूचीबद्ध करना है और सभी विवादों को तुरंत निपटान करना है, गोरखपुर पहल को आगे बढ़ाना है। इसी संदर्भ में सभी लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों से मीटिंग की गई है और आने वाले दिनों में जोर शोर से ये काम किया जाएगा। जितने भी सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण है उस सबको हटा के एक लैंड बैंक के रूप में एक भूमि का चिन्हांकन हम कर रहे हैं, इसी बात के लिए मीटिंग बुलाई गई थी।